नमस्कार, आप देख रहे हैं घमासान.com। मैं हूं आपके साथ दीक्षा भारतीय। पाकिस्तान ने बंद किए हैं भारत के लिए 3 हवाई मार्ग। एयर इंडिया ने इसका करारा जवाब दिया है और एयर इंडिया ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान ने भारत के 3 हवाई मार्गों को बंद कर दिया है और उसका एयर इंडिया द्वारा जवाब दिया गया है। वहीं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके में भूकंप के झटके भी महसूस। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना हवाई मार्ग आंशिक रूप से बंद कर दिया है। खबरों के मुताबिक 11 वायु मार्गों में 3 को बंद किया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने अपने वायु क्षेत्र से गुजरने वाली सभी उड़ानों की ऊंचाई भी बढ़ा दी है। इसके चलते खासतौर पर लाहौर क्षेत्र से गुजरने वाले विदेशी विमान 46,000 फीट से नीचे नहीं उड़ सकेंगे। पाकिस्तान के इस कदम पर एयर इंडिया ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ने सभी हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर आज यानी गुरुवार की सुबह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए कुछ खास अच्छी नहीं हुई। दरअसल हिंदू कुश रीजन में आज सुबह तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस रीजन में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्षेत्र आता है। हालांकि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में काबुल से 243 किलोमीटर उत्तर में रहा। गुरुवार को सुबह करीब 6:15 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 6.2 और गहराई 226 किलोमीटर मापी गई, जो कि ज्यादा की यानी नुकसान पहुंचाने वाली मानी जाती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।